महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल होना शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजते हुए यह कह दिया कि वो नैतिकता के आधार पर सीबीआई चूंकि जांच कर रही है, उनके पद पर रहना उचित नहीं है। सीबीआई जांच करे, निर्णय सामने आएगा, उसके बाद कुछ विचार किया जाएगा। लेकिन तब तक वे अपने इस पद को छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये पत्र मुख्यमंत्री को भेजते हुए, इससे पहले पत्र लिखने से पहले उन्होंने शरद पवार यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से भेंट की। उनसे मुलाकात करने के बाद में पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को भेज दिया। पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा नवाब मलिक ने, जरा सुनिए। आज राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब से मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अगर सीबीआई जांच कर रही है तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, जिसे पवार साहब ने हां कहा और गृह मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के पास इस्तीफा देने के लिए गए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उसे स्वीकारेंगे। इससे पहले जो आरोप लगाए गए उस पर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के लिए समिति गठित की थी। पहले दिन से हमारा ये मानना था कि इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं, लेकिन न्यायालय का आदेश है, उसका सम्मान होना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है और स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं पद पर रहना नहीं चाहता हूं, इसे उन्हें अनुमति दी गई और वो राजीनामा देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय गए हैं।